खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त की तारीख तय हो गई है। पीएम मोदी इस दिन भूमि पूजन कर मंदिर निर्माण की आधारशिला रखेंगे। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास से पहले अब मंदिर शिलान्यास के मुहूर्त को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मंदिर के शिलान्यास की तय तिथि यानी कि 5 अगस्त को अशुभ बताया है। उनका ऐसा कहना है कि बिना किसी मुहूर्त के इस मास में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन शिलान्यास करने से बहुत बड़ी आपदा आएगी। 5 अगस्त को भाद्रपद मास की द्वितीय तिथि है। भाद्रपद मास में हमारे यहाँ किसी तरह से गृह आरंभ करना प्रतिबंधित है और इस महीने में शुभ कार्य करने से परिणाम शून्य हो जाता है। तो देखिए, मंदिर निर्माण के लिए मुहूर्त को लेकर अब ये पूरा ही विवाद जो है वो सामने आ रहा है। नहीं नहीं, मुहूर्त नहीं है, बिल्कुल नहीं। यहाँ काशी के रामचंद्र पांडे जी और उनके कुछ शिष्य आमंत्रित हैं और फेसबुक पर उनका लिखा हुआ है कि आमंत्रित हैं। बहुत लोग बधाई भी उनको दे रहे हैं और वो भी खुले हुए हैं कि हम प्रधानमंत्री के साथ वहाँ पर खड़े होंगे, फोटो खींचेगा हमारे। लेकिन सच्चाई तो यही है कि मुहूर्त तो नहीं। काशी विद्युत परिषद जो है, हमने तो अभी काशी विद्युत परिषद के लोगों को फ़ोन करके फटकारा था और तगड़ा फटकारा है। जितना कोई नहीं, उनको बाप ने नहीं कहा होगा इतना हमने कह दिया। क्यों कह दिया? क्योंकि गलत कर रहे थे और सबने सुना, सबको सुनना पड़ गया। हमने बता दिया कि आप लोगों ने जो निर्णय दिया है कि यहाँ पर जो है चालन पद्धति से मंदिर हटा दिए जाएंगे, ये किसी शास्त्र में नहीं बनता है। हम खुली चुनौती दे रहे हैं, शास्त्रार्थ करिए, कोई तो आगे नहीं आया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।